एक तरफ धमतरी कलेक्टर रजत बंसल यहां विभागों में सफाई की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर कार्यालय से महज 150 मीटर की दूरी पर कंपोजिट बिल्डिंग है जहां पर गंदगी का आलम है। कार्यालय से महज 150-200 मीटर दूरी पर कंपोजिट बिल्डिंग जहां पर जिला धमतरी के प्रशासनिक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जहां पर होते हैं, अब सेकंड फ्लोर है जहां पर शिक्षित बेरोजगार लड़के लड़कियां आते हैं रोजगार पंजीयन कराने के, लेकिन वहां के विभाग रूम जो है यहां पर पान खा करके थूके, इतनी गंदगी पसरी हुई है और यहां पर मजबूरी में यहां के युवक जो है इस बात का उनका उपयोग करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन को लेकर नए नए प्रयास कर रही है और यहां धमतरी में खुद सरकारी दफ्तरों के शौचालयों में गंदगी पसरी हुई है। हम बात कर रहे हैं धमतरी कलेक्टर ऑफिस से महज 150 मीटर की दूरी पर करोड़ों रुपए खर्च कर कंपोजिट बिल्डिंग बनाई गई है जहां पर सरकारी दफ्तरों को संचालित किया जा रहा है, जहां पर ग्राउंड तल पर कैंटीन, लोक सेवा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्टेशनरी, देवभोग दूध डेयरी है। वहीं प्रथम तल पर आयुर्वेद विभाग, उद्यानिकी विभाग, कार्यपालन अभियंता, उप पंजीयन, सहकारिता विभाग, भूमि संरक्षण, मत्स्य विभाग, पशुपालन और द्वितीय तल पर जिला शिक्षा विभाग, क्रीड़ा विभाग, लीड बैंक, जिला रोजगार, नगर निवेश, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग आदि विभाग हैं। हमने जिले के सभी कार्यालयों में शौचालय की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए सभी HODs को निर्देश जारी किए हैं और मैं खुद भी जहां भी जिस भी कार्यालय में जाता हूं एक बार शौचालय का निरीक्षण जरूर करता हूं और अभी हम लोग अभी इस पर भिड़े हुए हैं और आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों को स्वच्छ एक कैंपस हम लोग उपलब्ध करा पाएं जिसमें लोगों का काम भी सरकारी काम भी इत्मीनान से और एक कम्फर्टेबल लेवल से हो सके।